मैंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रीन प्ले मधुर भंडारकर और अनिल पांडे ने लिखी है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक इंसान के साथ 1975 में इमरजेंसी जब लादी गई थी, उस दौर में उसके साथ क्या होता है और उस व्यक्ति उस औरत के साथ क्या होता है और कैसे वो संघर्ष करती है, कैसे इमरजेंसी की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और उस संघर्ष की ये कहानी है। मैं कहूँगा 70% इट्स फैक्ट, अपना फिक्शन है, और 30% हमने इमरजेंसी का जो फैक्ट्स थे, जो एक्चुअल हिस्ट्री हुई थी, उसको हमने दिखाया है। तो ये फिक्शन और फैक्ट का एक अच्छा सा संगम है। और आज़ादी के बाद का जो हमारा इतिहास है पिछले 70 साल का, उसमें इस तरह की फिल्म बहुत ही कम बनी है, शायद नहीं बनी है, जिसमें हम हिस्ट्री को छूते हैं कि जनता के साथ क्या होता है, जनता कैसे महसूस करती है, जनता कैसे सरकार के दबाव से गुजरती है। सो ये उसकी कहानी है, और इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ पर्सन कॉल्ड इंदु सरकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे रिसर्च करना पड़ा, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी शाह कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज मुझे देखनी पड़ी, और मेरी वैसे इमेज कॉमेडी राइटर की है, लाइट रोमांटिक कॉमेडीज़ की है, तो मेरे लिए अपने आप को वर्सेटाइल प्रूव करने के लिए, एक सीरियस राइटर बनने के लिए, दिखाने के लिए, मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मौका था। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मधुर ने मुझे वो चांस दिया। और इस फिल्म में डायलॉग्स काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, काफ़ी हार्ड हिटिंग है, और वो ऑलरेडी उसकी एक अपनी जगह बन चुकी है। तो आई थिंक इट्स अ न्यू लाइफ फॉर मी, एंड आई फील लाइक कि ये डायलॉग्स बहुत समय तक लोग याद रखेंगे, क्योंकि वो फिल्म का हिस्सा है, सिर्फ पंच लाइन्स नहीं है। तो मेरे लिए कह सकते हैं एक पूरा नया एक अवतार है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इंदु सरकार एंड द एंटायर टीम। सर, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, जिस तरीके से आपने बोला कि कॉमेडी जॉनर पे आप ज़्यादा करते हैं, और अब इस तरीके आप जॉनर पे आ रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए उस पे आना? वेरी चैलेंजिंग तो था, बट मैंने पास्ट में फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी, कच्चे धागे, किस्मत कनेक्शन, उस तरह की ड्रामेटिक फिल्में भी लिखी थी। फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी जो शाहरुख खान की थी, उसमें पॉलिटिक्स की बात थी, उसमें मीडिया की बात थी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में फिल्मों में इमेज बन जाती है, तो मेरी इमेज कॉमेडी राइटर की बन गई। सो लिखना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरा इतिहास में स्टडी था, मेरा ये इंटरेस्ट का विषय है, लेकिन अच्छा लिख के ऑडियंस तक पहुँचा के उसको सक्सेसफुल करना, वो बड़ी चैलेंज है। और वो चैलेंज 28 जब फिल्म रिलीज होगी और लोग डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे, तब मेरी चैलेंज वो पूरी होगी। लिखना मेरे लिए पार्ट ऑफ स्टडी था, एज अ राइटर आई शुड बी एबल टू राइट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और वो मेरे लिए आसान था, लेकिन मेरी इमेज को तोड़ के अलग राइटर की इमेज जो मुझे बनानी है, वो बनेगी कि नहीं, वो 28 को आप मीडिया वाले जनता बताएंगे। काफी सच कहूँ तो कभी नहीं, कभी मुझे लगा नहीं था कि मैंने जानबूझ के कंट्रोवर्सी या किसी को उछालने की कुछ कोशिश की, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट स्क्रीन प्ले ही ऐसा था कि उसके 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 जो मूड थे वो ऐसे थे कि जहाँ पे हमें हार्ड हिटिंग, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, आक्रामक बात करनी ज़रूरी थी। अब उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आई जो ट्रेलर में आई, और तब लोगों का ध्यान गया। अब लेकिन हमारी अंदर से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की या कुछ सेंसेशन क्रिएट करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि उस ऐसा करने से क्या होता है कि इस तरह की सीरियस फिल्म में, हिस्ट्री बेस्ड फिल्म में, वो कहीं ना कहीं सस्ती बन जाती है, चीप बन जाती है, कहीं ना कहीं हम उसके सत्य के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, और जो हमारा आशय, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन मोर देन कॉन्ट्रोवर्शियल आई विल से इट दैट दिस लाइन्स आर वेरी पावरफुल, वेरी हार्ड हिटिंग, दैट्स वाई उस पर नजर जाती है, और दैट्स वाई इट बिकम्स टॉक ऑफ द टाउन। और सर, क्या क्या तैयारी करी है अपने कहानी लिखने के लिए, किस तरीके से आपने कैरेक्टर का चुनाव किया और किस तरीके से आपने कैरेक्टर्स निकाले? सी, आई एम अ डायलॉग राइटर, मेरे साथ स्क्रीन प्ले में अनिल पांडे और मधुर भंडारकर जी थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, दिल्ली गए हुए थे, शाह कमीशन पे रिसर्च हुआ था, नेहरू सेंटर में गए थे, पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखे, सारे उस ज़माने के जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन से उसको चेक किया गया, उस दौर की फिल्में थी, फिल्म मैगजीन्स जो थे वो देखे स्टाइल के लिए, उस ज़माने के जो कैलेंडर्स थे, एडवर्टाइजमेंट्स थी, उसको कलेक्ट किया गया, और यहाँ पे एंडी स्टूडियो जो है बम्बई के पास, वहाँ पे नितिन देसाई ने दिल्ली को पूरा क्रिएट किया, कैनॉट प्लेस को क्रिएट किया, वहाँ उस वक्त जो लड़कियों के बाल की स्टाइल थी, लड़के जो कान पे बाल रखते थे, बेल बॉटम पहनते थे, वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स, और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त की जो लैंग्वेज थी उसमें कूल, हाई, वो सब जो वर्ड्स जो हम आज यूज़ करते हैं, चाओ, वो सब नहीं था। तो उस दौर की कुछ फिल्में देख कर, कुछ कविताएँ, कुछ कहानियाँ पढ़ के हमने उस दौर में लोग जो भाषा बोलते थे,
उस भाषा को पकड़ने की भी कोशिश की, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक डायलॉग्स की बोलने की स्टाइल चेंज हो जाती है। आज के लोग हम LOL बोलेंगे, तब तो ऐसा था नहीं, आज व्हाट्सअप बोलते हैं तब कैसे हो भैया ऐसे पूछते थे। तो वो डायलॉग्स, वो बोलचाल की भाषा, उन सब पे रिसर्च किया, कपड़े और सेट्स के अलावा। हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ किताबों से, कुलदीप नायर की किताब, कुमी कपूर की किताब, शाह कमीशन, खुशवंत सिंह की किताब और न्यूज़पेपर्स, वो सब हमने पढ़े, देखे, उसकी स्टडी की और उससे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद हम एक उस एरा को, उस दौर को हम क्रिएट कर पाए। इट्स अ चैलेंज। नहीं कि सेंसर बोर्ड ने जो पहले आपत्ति ली थी कुछ डायलॉग्स पे, माँ बेटे की सरकार या तुम जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे, या एक बेटी ने देश को बंदी बनाया, सरकार चैलेंज से नहीं चाबुक से चलती है, ये सारे डायलॉग्स अब क्लियर हो चुके हैं। रिवाइजिंग कमेटी ने देखी, हमने आर्ग्यूमेंट्स की और उन्होंने समझा कि हमारा इंटेंशन जो है वो फिल्म में किसी को बुरा दिखाने का नहीं है, हम सिर्फ इतिहास वहाँ रख रहे हैं। तो लकीली मेरी सारी लाइन्स तो बच गई है। रही बात एक मैडम ने जो दावा किया है, पहले उनको अपना दावा प्रूव करना होगा कि वो उनकी संतान या वारिस है कि नहीं है, और जब वो प्रूव होगा तब आगे की बात हो सकती है। दूसरी बात कि उन्होंने वो फिल्म देखी नहीं है हमारी फिल्म, तो देखे बिना कैसे बोल सकते हैं कि हमने क्या दिखाया है, कैसे किसको पेश किया गया है। और तीसरी बात यह है कि फिल्म जब रिलीज़ हो रही है तभी आपको अपनी विरासत क्यों याद आती है। आप 40-45 की उम्र है आपकी, तो आप अब तक आपने इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं। सो कल को मैं उठ के कहूँ कि शाहजहाँ का मैं ग्रैंडसन हूँ और मेरे दादा ने, परदादा ने ताजमहल बनाया था और ये मेरा है, तो ये तो बात हजम नहीं होती। खैर, कोर्ट ने भी इस बात को, इस दावे को खारिज कर दिया है, तो उस पर कुछ कहने ऐसा रहता नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी पक्ष हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी पार्टी हो, जब ये फिल्म देखेंगे वो लोग, उनको समझ में आएगा कि हमने किसी चीज़ को बहलाने की या कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश नहीं की, हमने काफ़ी बैलेंस्ड इतिहास को मद्देनजर रख के ये फिल्म बनाई है। बिकॉज 30% इज़ अ हिस्ट्री, 70% इज़ अ फिक्शन, और ऑडियंस सबसे बड़ी अदालत है, कोर्ट है, वो तय करेंगे कि इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है और कितना सेंसेशन है। So, आप डायरेक्टर भी हैं, जी, राइटर भी हैं, तो ऐसे टाइप की जो पॉलिटिकल या देशभक्ति वाली मूवी होती है उसको, वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, तो उसको एज इट इज पोर्ट्रे इन अ मूवी करना कितना डिफिकल्ट है? बहुत होता है, क्योंकि उसमें हमको ये भी देखना है कि हम अगर रियलिटी पूरी दिखाएंगे तो बोरिंग हो जाएगी, और हम आधी दिखाएंगे तो झूठ हो जाएगा, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है। इट्स अ टाइट रोप वॉकिंग, तो हम दोनों को बैलेंस करते करते चलते हैं। अब मेरी एक फिल्म आ रही है आगे, किल द रेपिस्ट, उसमें रेप के इश्यू के बारे में, लेकिन हमने किसी एक घटना को नहीं लिया है, तो उसमें औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया है, उसमें मर्दों का भी लिया है, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। सो या, इश्यू बेस्ड फिल्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, बिकॉज वी टू बी वेरी करेक्ट एंड ऑनेस्ट। आई थिंक कीर्ति कुल्हाड़ी ने, उनका कैरेक्टर है कवियत्री है, पोएटेस है, कविता बोलती है लेकिन हकलाती है, तो उन्होंने, कीर्ति कुल्हाड़ी ने इंदु सरकार का पात्र जो है, कैरेक्टर है, उसकी स्पीच के लिए काफ़ी मेहनत की और बहुत ही अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है, और कहीं लगता नहीं है कि ये लड़की हकलाती जीवन में नहीं होगी। उसने स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस की थी, थेरेपी से सीखा था। और सबसे बड़ी बात है कि नील नितिन मुकेश, जिन्होंने एक काफ़ी एग्रेसिव यंग लीडर का कैरेक्टर परफॉर्म किया है, और उन्होंने हर पंची डायलॉग्स, हर एग्रेशन वाले डायलॉग को ऊपर उठाया है। आई थिंक नील नितिन मुकेश ने मेरे डायलॉग्स के को 2 स्टेप्स वो ऊपर लेके गए हैं। सर, इसी टॉपिक को चुनने की क्या कोई खास वजह थी कि मतलब आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना? वेल, कभी ना कभी इतिहास जो होता है उसे कहना तो होता ही है, क्योंकि हम कब तक हम वही फिल्में बनाते रहेंगे, लव स्टोरीज, फैमिली स्टोरीज, शादियाँ, और वो तो चलता ही रहता है। तो हमको लगा कि ये इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा अधूरा चैप्टर है, अनजाना चैप्टर है, जिसको आज की पीढ़ी जानती नहीं है, तो इसलिए हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है और हिम्मत भी दिखाई है। रेस्ट इज ऑडियंस विल डिसाइड कि हाउ फार वी आर सक्सेसफुल। ऑफकोर्स दोनों हैं, नर्वसनेस इसलिए है कि अलग किस्म की फिल्म है, एक्साइटेड इसलिए है कि हिंदुस्तान की फिल्म की हिस्ट्री में ऐसी फिल्म आई नहीं है जिसने रिसेंट हिस्ट्री के बारे में कुछ कहा हो। मैं पर्सनली नेहरू एंड इंदिरा जी एंड कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, सेक्युलर, सोशल, लिबरल, उसको पर्सनली मैं बहुत ही मानता हूँ और मैं उनके पक्ष में बोलता भी हूँ,
मैं राइट विंग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक इमरजेंसी के चैप्टर की बात है, वो इतिहास है, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो वहाँ मुझे बैलेंस होकर मुझे अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार करके, अलग करके मुझे लिखना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, और मैंने वो काम किया हुआ है। और शायद इसीलिए मैंने इस फिल्म को सेंसेशनल बनने से रोका भी है और जो तथ्य है उसे पेश किया है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जाते थे दर्शकों से आपको? मैं यही कहूँगा, इंदु सरकार एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपने आज की सरकार के बारे में, आने वाली सरकार के बारे में, जो बीत गई उस सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पावर के बारे में, और आपके हक और आपकी आज़ादी के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। आपको अपने हक के लिए, अपने पावर के लिए जनता को लड़ना चाहिए, और कैसे लड़ना चाहिए, और किसी भी सत्ता के सामने विरोध करना चाहिए, ये संदेश आपको इस फिल्म से मिलेगा। ज़रूर देखिएगा इंदु सरकार।